ऑफिस कार्ड हमारे यहाँ 3,000 रुपए से स्टार्ट होकर के 2,50,000 रुपए तक के ऑलवेज ऑन रेडी स्टॉक में आपको मिलेगा। तो अभी अपना पीसी असेंबल हो चुका है। राइजन सीरीज की भी बात करें तो Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, इवन द वे आपको प्रोसेसर हमारे यहाँ मिल जाएगा 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन। तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी और ये रहा अपना ब्लैक पैंथर। सो अभी इसको निकालते हैं और फिर चलते हैं सीधा पटना। हम पटना क्यों जा रहे हैं आप सब तो जान ही गए होंगे, सो वीडियो को देखते रहो। ये लग चुका था जाम रेलवे क्रॉसिंग को लेकर। इधर से निकलते हैं और फिर आप सबसे बात करते हैं क्योंकि आगे जाकर पेट्रोल भी लेनी है। सो मैं आज ज़्यादा देर तक बाइक चला नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे फिंगर में चोट लगी हुई है। तो आज बाइक भाई चलाएगा और मैं पीछे बैठा रहूँगा और थोड़ी बहुत व्यू आप सबको दिखाता रहूँगा। ब्लॉग को एंजॉय करो और जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तुम्हारा भाई तुम सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। सो अब इधर से निकलते हैं और फिर आप सबसे मिलते हैं। तो गाइस ये देखो मैं आ गया पिछली वाली सीट पे और अभी बाइक ड्राइव कर रहा है भाई और मैं मज़े से बैठा हुआ हूँ। और ये जो व्यू है ये व्यू है अटल पथ का। तो अभी व्यू को एंजॉय करो और साथ में राइड का भी मज़ा लो। गाइस अपने लोकेशन पे पहुंचने के लिए अभी हमें मैप का यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मैं उस लोकेशन पे पहली बार जा रहा हूँ और भैया को भी कोई आइडिया नहीं है। एंड गाइस अभी पहुंच चुके हैं फ्रेजर रोड और मेरे को लगा था कि मैं पीछे बैठ के ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा बट कुछ हद तक मैं ब्लॉग कर पा रहा हूँ आप सबके लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस हम 5 मिनट में पहुँचने वाले अपने लोकेशन पर। सो अभी आप सबको सीधा वहीं जा करके मिलते हैं। तब तक के लिए इंतज़ार करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। गाइस अभी पहुंच चुके अपने लोकेशन पे और यहाँ लग चुकी है अपनी ब्लैक पैंथर। सो अपने को ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है तो अभी चलते हैं सीरियो से ऊपर। तो गाइस ये रहा सीरियो से ऊपर जाने का रास्ता और अभी चलते हैं शॉप के अंदर और फिर मैं आप सबको दिखाता हूँ कुछ नई अनोखी चीज। तो गाइस अभी चलते हैं शॉप के अंदर और फिर देखते हैं अपने लिए पीसी। कैमरा क्या क्या करता है भाई? क्या भैया? कैमरा क्या है? कैमरा GoPro। सो गाइस पहले 2 मिनट बैठ कर रेस्ट करते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और उसके बाद शॉप के ऑनर से बात करते हैं। गाइस इनका कहना है कि मेरे पास ऑलरेडी एक पीछे असेंबल होकर पड़ा हुआ है तो आप उसको एक बार देख लो। तो अभी चलते हैं उसको देखते हैं उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या चीज़ इंसर्ट हुई है। तो उसको चेक करने के बाद मैं कुछ रिस्पॉन्स करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं पीसी के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी चेक करते हैं और फिर अपने डिमांड बताते हैं इनको। बाय द वे इस असेंबल पीसी का कैबिनेट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इसको देखते हैं, सारी बातें पता करते हैं और उसके बाद मैं आप सबको बताता हूँ मैं। तो ये गाइस अभी अपना कंप्यूटर असेंबल हो रहा है। तो अभी जब तक असेंबल होता है तब तक मैं आप सबको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, लाइक जो अपना पीसी असेंबल हो रहा है मैं उसकी कुछ टाइम लैप्स आप सबके साथ शेयर करता हूँ। बाकी पीसी असेंबल हो जाने के बाद मैं आप सबको शॉप के ऑनर से अभी कुछ बात करवाऊंगा जो आपको थोड़ी बहुत कुछ अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। तो अभी पीसी को असेंबल करवाते हैं और फिर आप सबसे मिलते हैं। सो गाइस ये सारे एसेसरीज आएंगे मेरे पीसी के साथ। सो अभी मैं आप सबको दिखाता हूँ थोड़ी बहुत। ये कीबोर्ड है और ये मैंने लिया 24 इंच का डेल का मोनिटर और बाकी है कोर i5 10th जनरेशन और 256 GB का SSD कार्ड और बाकी की जानकारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अनबॉक्सिंग की सब उसमें बता दूंगा मैं। तो गाइस इन्होंने अपने मन का RGB कैबिनेट मेरे को दिखाया बट मुझे पसंद नहीं आया, जो कि मैं आपको अभी मैं वीडियो में दिखा दूंगा। बट मेरे को पसंद आया ये वाइट वाला कैबिनेट जिसका प्राइस है 4000। तो ये देख सकते हो आप इसका RGB वगैरह कितना मस्त लग रहा है और वाइट कलर में। और ये कैबिनेट जो मुझे पसंद नहीं आई थी और एक और रह गई है मैं आप सबको दिखा देता हूँ। और एक ये कैबिनेट उन्होंने दिखाया जो कि मुझे बिल्कुल भी कुछ खास नहीं लगा। तो मैंने ये वाइट वाला RGB कैबिनेट सेलेक्ट किया और यही चाहेगा अपने घर।
बस यहाँ पे आप सबको आरजीबी कैबिनेट देखने को मिल जाएगी जो कि आजकल ट्रेंड में है। सो अभी अपना पीसी असेंबल हो चुका है, तो अभी पीसी में विंडो का काम वगैरह चल रहा है। सो अभी मैं आप सबसे मिलवाता हूँ, शॉप के जो ऑनर हैं उनसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वो आप सबको बताएंगे थोड़ी बहुत कुछ गाइडलाइंस। सो ये रहे शॉप के ऑनर। हेलो अंकल, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। सो आप अपने बारे में कुछ बताइएगा मेरे व्यूअर्स को। देखो, हम लोगों का जो गेमिंग के लिए वीडियो एडिटिंग का पीसी कसने के लिए हम लोग एक्सपर्ट हैं, और हमारी जो दुकान है 2005 से कंटिन्यू कर रही है। जो पुराने कस्टमर भी हमारे हैं और नए भी हैं, यानी जो वीडियो एडिटर या प्रोफेशनल्स बिहार के जो होंगे लगभग लोग मुझे जानते हैं, वो हमारी सर्विस से वाकिफ भी है। और हमारी स्पेसिफिकेशन आपके जरूरत के हिसाब से आपकी पीसी में आपके बजट में कस के देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि पीसी कस के दिए उसके बाद मेरी जिम्मेवारी नहीं होती, उसके बाद भी जिम्मेवारी होती है। मशीन आपके यहाँ परफॉर्म करता ही करता है, क्या कि कंपोनेंट उस ढंग के मैं देता हूँ। और हमारे अनुभव का बेनिफिट सबको मिलता है, 17 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, गेमिंग और एडिटिंग पीसी ही असेंबल करता हूँ मैं। और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सो गाइस, जैसे कि सर ने बताया कि अभी आप इस शॉप पे आ रहे हो, तो आपको हर बजट के पीसी देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जो भी बजट हो, मिनिमम बजट हो या मैक्सिमम बजट हो, उसके हिसाब से आपके लिए ये पीसी बिल्ड कर देंगे। तो अंकल, मैंने सही बोला? तो आपको इधर लुआ हूँ मैं। देखो, हमारे यहाँ जो है सेलरों से लेकर के 12th जनरेशन का i9 12900 के, यानी टॉप टू बॉटम सारा प्रोसेसर उपलब्ध रहता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ सारे किसे, यानी हमारे यहाँ स्टोर में अप्रोक्स न्यू ब्रांडेड 50 टाइप्स के प्रोसेसर ऑन एवरेज हमेशा रेडी मिलते हैं जी। या तो सेलरॉन हो, पेंटियम हो, i3 हो, i5 हो, i7 हो, i9 हो, राइजन सीरीज की भी बात करें तो Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, इवन दे आपको प्रोसेसर हमारे यहाँ मिल जाएगा 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन या लेटेस्ट जो भी उपलब्ध होगा। यानी पीसी के लिए कोई भी प्रोसेसर के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा कुछ उपलब्ध हो जाएगा। हमारे यहाँ ग्राफिक्स कार्ड्स हो या मदरबोर्ड हो, जैसे यानी ग्राफिक्स कार्ड हमारे यहाँ 3000 रुपये से स्टार्ट होकर के 2.5 लाख रुपये तक के ऑलवेज ऑन रेडी स्टॉक में आपको मिलेगा। ओके, मदरबोर्ड्स भी अगर आप चाहते हैं तो मदरबोर्ड भी हमारे यहाँ रेडी स्टॉक्स में 2500 से शुरू होकर के 45000 रुपये तक के रेंज में मिलेगा। यानी आपको जिस स्तर का जो किसी असेंबल कराना हो, आप उसके लिए आ सकते हैं। तो सर, आप अपने शॉप का एड्रेस बता दीजिएगा एक बार प्लीज। मेरा शॉप का एड्रेस है SL मल्टीमीडिया, अपोजिट ओम कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर, SP वर्मा रोड, पटना। ओके, सो सर ने आप सबको एड्रेस बता दिया, बाकी जो भी होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिनअप कर दूंगा एड्रेस। और आपको जो भी क्वेरीज वगैरह होगा आप कॉल कर सकते हो, एनी टाइम ये कॉल रिसीव कर लेते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो गाइस, अभी अपना पीसी वगैरह सब असेंबल हो चुका है, सब कुछ बिलिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। सो अभी निकलेंगे हम सीधा घर, और घर जाने के बाद आप सब से मैं मिलता हूँ। सो अभी चलते घर और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।